हर इलेक्ट्रॉनिक चीज पे जहाँ पर तार लगे होते हैं वहाँ जंग लग जाए या कार्बन जम जाए उसको साफ करने के लिए कभी भी अगर आप बाहर से कोई स्प्रे लो तो साफ करने के लिए WD-40 स्प्रे लो, ठीक है। बाइक में जब आप पीछे वाली एसी खोलोगे तो आपको फ्यूज दिखाई देगा, उसमें कई सारे फ्यूज हैं, तीन तरह के फ्यूज हैं इसमें, 30, 15 and 7.5 एम्पेयर, जिसमें जितने एम्पेयर का फ्यूज लग रहा है आप उतने एम्पेयर का ही यूज करोगे। कभी कोई और फ्यूज लगा दोगे तो फ्यूज फ्यूज का काम नहीं करेगा, इन केस ऑफ एनी फॉल्ट आपका फ्यूज वो काम नहीं करेगा तो फ्यूज को करना चाहिए। होता क्या है उसमें जो तार होता है उसका एम्पेयर डिसाइड करता है कि वो कब टूटेगा। अगर आपने उसमें मोटा तार लगा दिया, ज़्यादा एम्पेयर का तार लगा दिया, तो एट द टाइम ऑफ फॉल्ट वो तार नहीं टूटेगा और वो आपके जो कंपोनेंट से वो कनेक्टेड है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, ठीक है। सो अगर आपने अपने बाइक पे कोई मॉडिफिकेशन लगा रखा, लाइट्स लगा रखे हैं, एक्स्ट्रा हॉर्न लगा रखा है, मोबाइल चार्जर लगा रखा है, प्लीज कैरी एक्स्ट्रा फ्यूज। और दो बाइक पे होते हैं 3 एक्स्ट्रा फ्यूज, हर एक एक 15, 30, 7.5 का एक एक फ्यूज है। बट अगर आप लॉन्ग राइड पे निकल रहे हो और आपने अलग मॉडिफिकेशन करा रखे वायरिंग से रिलेटेड, यू शुड हैव दोज फ्यूज लेके चलो साथ में, इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होता है फ्यूज चेंज करके देखो, ज़्यादातर टाइम फ्यूज से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है। और ऐसा कब होगा, आपने जो आपकी बाइक है वो एक अमाउंट ऑफ करेंट जनरेट करता है, आपने दो चार चीज़ें अलग लगा रखी वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसमें सेंसर के पास पहुँचेगा नहीं उतना करेंगे उसका होने चाहिए, इसलिए वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अभी बात करें इसी भी ऊपर कई लोगों ने इसी को पेंट कराया हुआ है यहाँ पर अपना जो फर्स्ट ऑर्डर बाइक था, क्या होता है ईसीयू, उसके बारे में बात करते हैं। ईसीयू आपके बाइक से के सेंसर से अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेता है और आपके सामने जो कंसोल है उसको भी देता है, ठीक है। और बाइक की पूरी फंक्शनिंग ईसीयू पे डिपेंड करती है, आज जो नई बाइक से खास तो अगर आपका ईसीयू पे फाइल सही नहीं है, ईसीयू सॉफ्टवेयर सही नहीं हुआ तो बाइक सही परफॉर्म नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाइक में कोई टेक्निकल फॉल्ट है या कोई मशीन मैकेनिकल प्रॉब्लम है, वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे कि फर्स्ट ऑटो बाइक्स में क्या था, बाइक में लैग आ रहा था अराउंड 40-50 के आसपास, 4-5 के आसपास के बीच में। वो क्यों था, बिकॉज फाइल सही नहीं थी, उसकी वजह से पर्टिकुलरली उस आरपीएम लिमिट पे फ्यूल सप्लाई सही नहीं थी, उसकी वजह से गाड़ी को धक्का खाने लगती थी, झटके आते थे, लोगों को लगता था फ्यूल पंप में प्रॉब्लम है या फाइल में प्रॉब्लम है, इंजेक्शन में प्रॉब्लम है, मगर ऐसा नहीं था, वो सिर्फ इशू फाइल की प्रॉब्लम थी। इन केस अगर कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो कैन गो डायरेक्टली टू द शोरूम में, वहाँ सॉरी सर्विस सेंटर, वहाँ जाकर आप अपना ईसीयू अपडेट करा। ईसीयू अपडेट करने में थोड़ा समय लगता है, बाइक को पहले आइडल छोड़ा जाता है, उसके बाद फिर उसको स्टार्ट करा जाता है, जब वो एक प्रॉपर उतने मिनट्स के लिए स्टार्ट हो जाए उसके बाद फिर उसको ईसीयू। इसमें एक बात बोलूँ जी, शिवदयाल जी खड़े हैं, इनका सर्विस सेंटर बहुत अच्छा है, इनको कोई भी बोलेगा ना ईसीयू अपडेट कर दो ये कर देते हैं आराम से, आप किसी और सर्विस सेंटर में चले जाओ, बहुत लोगों ने कंप्लेंट किया कोई करता ही नहीं ईसीयू अपडेट, सीधा मैंने रिफ्यूज कर देते हैं सर जरूरत ही नहीं बाइक में। अभी इन्होंने सैम की बाइक में किया, और आप दिल्ली से बाहर चले जाओ तो सर्विस सेंटरों का रिप्लाई है कि हमारे पास ऐसी कोई अपडेट ही नहीं आई। आप सैम की बाइक में आपने ठीक करी थी, कूलेंट लीक हो रहा था बार बार उसका, टोटल बॉडी साफ करने के बाद ईसीयू दोबारा अपडेट किया ना आपने, जो स्टार्ट नहीं हो रही थी बाइक उसकी सम्राट की, सुमन पे भी हुआ है, और जो आपका ये कौन सा फेड कौन सा है वहाँ पे हैरी जिस पे जाता है दीवान पे भी हुआ है शायद, दीवान सुमन की बहुत कंप्लेंट्स हमने ग्रुप में भी और ऑनलाइन ऑनलाइन वजह सुने फिर बात आती है एयर फिल्टर की, ज़्यादातर लोग जिनकी बाइक अराउंड 15,000 किलोमीटर के आसपास हो चुकी है उनको 15,000 से 20,000 किलोमीटर उनको अपने एयर फिल्टर चेंज करना होता है 15,000 से 20,000 किलोमीटर उसके बीच में। अगर आप ये डिपेंड करते हैं कि ऐसा पार्ट है, अगर आप गस्त ज़्यादा चलाओगे, लॉन्ग राइड ज़्यादा करोगे, ऑफ रोड ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा गंदा होगा, ध्यान रखो जब आप सर्विस कराओ उसको साफ कराओ, ठीक है, क्लीन कराने के लिए बोलो, और 15,000 से 20,000 किलोमीटर होने में उसको चेंज कर दो, ये रिकमेंडेड है बजाज से 15,000 से 20,000 किलोमीटर के बीच में एज पर द रिक्वायरमेंट
गाड़ी में जो आवाजें आती है ना, लोगों को चलाने में बस आ रहा है, कितने आवाज आ रही है या फिर बहुत अच्छा टोटल रिस्पांस नहीं मिल रहा है, उसका मेन रीजन होता है चेन। चेन में दो तीन चीजें होती हैं, चेन टाइट होनी चाहिए जितने पे उस पर कोई ज्यादा टेंशन ना हो, ठीक है, और वो साफ होनी चाहिए। अगर चेन साफ नहीं होगी खड़का खड़का आवाज जाएगी, आपकी पूरी बाइक चलाने का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा और वाइब्रेशन भी ज्यादा लगेगा। हम रिकमेंड करते हैं कि हर 500 किलोमीटर में आपको चेन साफ करनी चाहिए और लुब्रिकेट करना चाहिए। चेन क्लीन करने के लिए और लुब्रिकेट करने के लिए आपको मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यू गेट मोटर ऑल्सो। अगर आप मोटर नहीं यूज कर रहे हो और आप सीधे सिर्फ सर्विस सेंटर पर लाते हो बाइक से, नहीं क्लीन इट एंड हमारा एक रिकमेंडेड होता है वो यूज करता है, मोटर का यूज करते हैं। उसके अलावा आप डीजल से चेन साफ कर सकते हो, नॉट बाय पेट्रोल, पेट्रोल से नहीं, डीजल से आप चेन साफ कर सकते हो, वो ज़्यादा सही है पेट्रोल के बने, ठीक है। चेन साफ करने का तरीका आपको आपको वीडियोस में मिल जाएगा, कई लोगों ने वीडियो बनाए हैं कि चेन कैसे साफ करना चाहिए। चेन हमेशा साफ करते हैं इस तरीके से साफ करनी चाहिए, पहले उस पर डालो क्लीनर, 500 किलोमीटर का और बारिश के मौसम में खासतौर से ध्यान रखो, एक दिन बारिश होती है बारिश के अगले दिन दो दिन धूप है, चेन में जंग आएगा, चेन खड़ खड़ आवाज़ करेगी, अगर उसको लुब्रिकेट नहीं रखो तो ग्रीसिंग लुब्रिकेशन इज वेरी नाउ विल टॉक अबाउट ब्रेक्स। ब्रेक में सबको पता है वो ब्रेक ऑयल पड़ता है नीचे, दो तरह के आपको ब्रेक ऑयल अवेलेबल होंगे, .3, .4, बट वी रिकमेंड फॉर डोमिनार .4। एक और चीज़ ध्यान रखो कि कभी भी यू विल नॉट मिक्स .3 and .4। अगर आप कहीं बाहर गए हो और आपका ब्रेक ऑयल कम हो गया, आपने कहीं पढ़वाया, आपने पहले .4 पढ़ा था उसको .3 डाल दिया, सो आपके ब्रेक्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, .3, .4 मिक्स मत करो, पूरा उसको निकाल दो जितना बचा हुआ एंड फिर .4 डालो, और कोशिश करो कि .4 मिक्स करो हमेशा। .3, .4 का रंग अलग अलग होता है, एक कुछ गोल्डन .4 जो है .4 येलो होता है, रेड वाला .3 होता है, रेड कलर होता है .3, तो वो इसलिए आपको दिखेगा अलग से, उसका भी मिक्स मत करो, पूरा आप साफ करो उसका वो चैम्बर, उसके बाद ही उसको उसमें नया रिकॉर्ड डालो। सर अच्छा अभी बात करेंगे डिस्पैच कैसे चेक करना है, तो यू गाइस कैन कम फॉर मी, आप बताना सर कहाँ पर आप देखो बाइक को घुमा लो, गाड़ी के अंदर लगे लगे चेक करना है डिस पैड अभी लेदर है या नहीं है, तो यहाँ से इसका गैप जो होता है प्लेट और डिस पैड की दूरी पता होती है, इधर लेदर दिखता, अगर हम ऐसे देखेंगे तो दोनों साइड का पूरा लेदर दिखता है, तो ये जैसे जैसे घिसता है ये चिपकता जाएगा, मोटाई कम हो जाएगी, मोटाई कम हो जाएगी, ये गैप कम हो जाएगा, तो यहाँ से जैसे 5,000-7,000 किलोमीटर चल जाता है तो उस बार हम देख सकते हैं इसको कि कितना बचता है, अगर लेदर थोड़ा दिखता है तो उसको रिप्लेसमेंट, क्योंकि अगर इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया तो ये प्लेट पे इस पे जो इसकी डिस्प्ले है ये इस पे अफेक्ट करेगा, सीधा वो इसको घिस देगा, उसमें निशान मार देगा इसको।
ऑलवेज रिमेंबर कि आप अपना डिस्क साफ रखें। हाँ एक्चुअली अब डिस्क ब्रेक के बारे में बात हो रही है तो एक्चुअली कैन आई ऑल्सो कम इन। हाँ घर पे अगर कभी लंबे ट्रिप में अगर हम लोग जा रहे हैं लाइक 2000-3000 किलोमीटर, एक ये छोटा सा एक पिन पिन पेचकस बोलते हैं इसे, ये जो सिंपली निकाल देते हैं। हाँ निकालो, इसको खुद लगा सकते हैं। वैसे दो पिन होता है, दो पिन को आप निकालो और जब ये करने के टाइम पे कोई तो पीछे का डिस्क ब्रेक ना मारे। और एक पिन है, इसको इसको बाहर निकाल दिया। और ये पैड ऐसे नॉर्मली बाहर की तरफ भेज लेंगे एंड देन यू कैन इसको आप रब करो, थोड़ा रब करके इसको रेग माल के ऊपर थोड़ा रब करेंगे। सो रिकमेंडेड नंबर सैंड पेपर का। और जो है एनीथिंग करेंगे तो एनीथिंग के लक्ष्य ज्यादा पतला भी नहीं 1000 नहीं वो बहुत पतला हो जाएगा। लेट्स से 180 पे करके थोड़ा सा वो मेटल वाला जो रेग माल जो मेटल वाला उसे हल्के से जस्ट रब करके जो मिट्टी विट्टी है और उसके बाद एक गीले कपड़े से साफ कर दिया उसको एक और बार साफ करके एंड देन जस्ट रीअटैच। इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स मैक्सिमम टाइम। ब्रेक दबना नहीं चाहिए, ब्रेक अगर दब गया इसके अंदर के सिलेंडर दब जाएंगे बाहर की तरफ, फिर पिस्टन खोलना फिर वो बहुत लंबा काम है। फिर कैलिपर उतार के पिस्टन को दोबारा रीसेट करना पड़ेगा। अब दूसरा एक बार इसको जो है मूवमेंट करके देख लें, फ्री होना चाहिए, फ्री होना चाहिए ठीक है। और अगर बाय चांस अगर फ्री नहीं है तो इसका मतलब इस कैलिपर में पिन जाम है और ग्रीसिंग करने की जरूरत पड़ेगी। दो में से एक पिस्टन जाम। सॉरी ये पिछले वाले में दो पिस्टन है, एक है एक पिस्टन आगे वाले में दो। जंपिंग करेगा अगर सही फिट नहीं होगा तो फिर जंप नहीं करेगा। जंपिंग मतलब थोड़ा सा प्लेयर आएगा इसमें। हाँ ये तभी चलने के बाद जब होता है तो जिस पैड अगर प्ले नहीं रहा तो उसका मतलब वो ढंग से सेट नहीं हुआ, ढंग से सेट नहीं हुआ। ये दूसरी फाइल है और एक पूरी फाइल नहीं कुछ ज़्यादा तो पिछली बार भी सुना था इस बार अमर नहीं बोला थोड़ा अभी और ये तो फ्यूजेस का है ब्रेक ऑयल का। मैं अभी देख रहा था रात को दो बार थे यार अभी उठाई तो एक भी नहीं था। किसका पेट्रोल का आपकी ब्रेक ऑयल आपको यहाँ से दिखता है जैसे कम होगा तो ध्यान पे दिखेगा। अपर दोनों दिया हुआ है, कम होगा तो क्या रखना है मिनिमम मैक्सिमम के बीच। हाँ ये दोनों के बीच में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ हो गया तो कोई दिक्कत है। इस यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम के दोनों के बीच में होना चाहिए। ज़्यादा होगा सर? ज़्यादा होगा तो जब गाड़ी गर्म होगी तो ओवर फ्लो मारेगा, जिस पार्ट पे गिरेगा जहाँ भी गिरेगा तो नुकसान। गर्मी में तो वैसे भी थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है। और रेडिएटर एंड इसके बारे में भी बात उसके बाद ब्रेक लगाओगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। ऑलवेज अप्राई ब्रेक फर्स्ट, इससे आपकी लाइफ भी ज़्यादा बढ़ेगी। बट ब्रेक जैसे ही किया मैंने अभी ऐसे ब्रेक किया था, मैंने एक्सीडेंट हुआ है अभी तो ब्रेक जैसे किया ब्रेक मतलब लगा ही नहीं। कितने रिएक्शन टाइम था आपका ब्रेक लगाने में? 2 सेकेंड। बाइक अमूमन अगर आपकी बाइक बहुत तेज नहीं चल रही है तो हर सेकेंड से आपका बाइक का डिस्टेंस 3 सेकेंड का होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी बाइक की स्पीड तेज है तो आपको बहुत पीछे से 3 सेकेंड बहुत जल्दी कवर कर लोगे। कौन सा ब्रेक मारा था, फ्रंट मारा था रेयर मारा था? बोथ। पहले फ्रंट मारना था तो ज़्यादा इफेक्टिवली होता, रेयर को बाद में जब आप उस पर गाड़ी चला रहे हैं स्पीड ब्रेकर है यू वांट, यार मेरे को कम से कम इफेक्ट हो रही बाइक पे एकदम तो स्पीड ब्रेकर स्टार्ट होने से थोड़ा पहले पीछे वाला ब्रेक लगाओ तो तुम्हारी बाइक को झटका ज़्यादा नहीं। आगे वाला सस्पेंशन के ऊपर से लोड हट जाता है। सो ब्रेक पैड्स की लाइफ अराउंड 10 से 15000 किलोमीटर होती है डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। आप जिस तरीके से यूज कर रहे हो सो उसका ध्यान रखो, चेक करके उन्होंने जैसे बताया अगर नॉर्मल यूज कर रहे हो तो लेंथ 20000 किलोमीटर शुरू होगी। ठीक
अभी भी रेडिएटर की बात कर रहे थे, बाइक में हीटिंग का पूरा काम ये देखता है, तो एक तो आपकी बाइक की कूलेंट इस लेवल पे होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज़ है, बाइक बहुत ज़्यादा चला लेते हो, कुछ 10-15-20 हज़ार किलोमीटर हो जाते हैं, तो आपके रेडिएटर का भी चेंज देना चाहिए। कई बार इस पर कंकड़ पत्थर लगने से जाम हो जाते हैं या दब जाते हैं। हेलो सर, तो आप जब आप उसको देखो, अगर वो बंद है ना, उसको किसी पतली चीज से, पतली पेन से, चाबी से उसको खोल दो और उसको साफ रखो। अगर चाहते हो कि बाइक हीटिंग ज़्यादा ना करे, तो आपके रेडिएटर के हिसाब से हमेशा खुले होने चाहिए, वो बंद होने लग जाएंगे तो वो काम भी करेगा। एमएस के लिए हमारे पास ऊपर एक लाइट है, जब आप बाइक स्टार्ट करते हो वो जल्दी है, और जैसे स्टार्ट करके आप आगे बढ़ाते हो बंद हो जाती है, तो दैट इज आउट शुड बी। अगर आपकी आप बाइक चला रहे हो और ABS light jal rahi hai, matlab ABS is not working, there is some fault, please check it. ठीक है, आपकी बाइक में इशू हुआ था, अभी सेंसर खराब हो गया। हां, ऐसा कब हो सकता है सेंसर खराब हो, कब ऐसा हो सकता है या ABS का फ्यूज चला जाए, लाइट अब यहां पर भी इशू का काम आता है। आपका ABS जो होता है वो इशू से कनेक्टेड होता है, वही आपके ऊपर जो लाइट जल रही है वो उसको इशारा करता है, वो उसको बताता है कि अभी ABS खराब है, इसलिए अभी लाइट जल रही है। ये सारे काम ABS सॉरी आपके होते हैं, इसी में और आपकी ब्रेकिंग, आपका क्लच, आप कई सारी चीज़ें इंसान से जुड़ी हुई हैं, इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा। इंजन ऑयल, हम 10W50 इंजन ऑयल रिकमेंडेड फॉर बजाज यूज करते हैं, दैट इज मेड डिजाइन बाय टोटो, वेरी गुड इंजन ऑयल एज पर मी। आई हैव यूज्ड बोथ मोटर एंड इसके अलावा बहुत सारे अलग चीज़ें भी यूज करी मैंने डिफरेंट बाइक्स पर, बट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो इंजन ऑयल हम दे रहे हैं दैट इज नो वे लेस देन मोटर, टेंशन जो मोटर से कम है, हमारे को टोटल का डिज़ाइन कराओ बहुत अच्छा इंजन ऑयल। आप कभी अगर आप बाइक पे जब इंजन ऑयल चेंज करो और इफ यू आर यूजिंग मोटर, यू कैन सी द डिफरेंस, मोटर का ड्रेन टाइम थोड़ा कम होता है, जल्दी खत्म होता है और शुरुआत ज़्यादा स्मूथ होता है, दैट इज इट्स क्वालिटी। शुरुआत में ज़्यादा स्मूथ होता है, आपको आवाज़ और वाइब्रेशन अंदर पड़े पता चलेगा, बट वो जल्दी ड्रेन होता है, सो उसका ध्यान रखना। इसकी आपको अपनी अपनी यूसेज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डाल, शेयर टाइम जो मैंने कहा था क्योंकि बहुत लंबी राइड्स पर आप जा रहे हो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, पर वो 15 में आता, 10 में नहीं आता, 15-50 में आता है वो, 10 में नहीं आता। Okay. अब बात करते हैं क्लच की। क्लच जब आप यूज़ करते हो ना तो उसमें देखते हो गए आप कुछ लोगों का क्लच ढीला हो जाता है तो वो आगे से इतना मूव करता है और उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्लच को, यानी वो फ्री हो जाता है, इसे बोलते हैं फ्री प्ले। आपका क्लच का फ्री प्ले 2-3 mm होना चाहिए, इससे ज़्यादा है तो मतलब आपका वो लीवर मूव कर रहा है लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो भी वाई टाइट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो क्लच ब्रेक्स के ऊपर प्रॉब्लम आएगा, बहुत ज़्यादा क्लच वाई टाइट नहीं होना चाहिए, वो आपकी क्लच प्लेट्स को खराब करेगा जल्दी, बहुत जल्दी क्लच प्लेट्स खराब हो गई हैं, ये कैसे पता चलता है? पिकअप कम हो जाता है बाइक का और स्टार्टिंग के इश्यूज आ जाते हैं उसमें, पिकअप कम हो जाता है, लाइक व्हेन यू गो 80-90 आपकी गाड़ी बैक नहीं लगेगी, ज़्यादा 90 के बाद एक धक्का मारेगी एकदम, दैट इज हैपनिंग, चेक विद योर क्लच प्लेट्स, प्रॉब्ली ये इशू हो सकता है। इश्यू के बारे में बहुत सारे काम होते हैं, कई बार अगर इन केस आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी बाइक गिर जाती है, एक सर्टेन डिग्री से ज़्यादा जब बाइक गिर जाती है या जमीन से किस एंगल पे आ जाती है ये मेरे साथ नहीं हुआ, मैं अभी लास्ट वीक की बात है, मैंने घर के बाहर बाइक खड़ी करी, मैंने बिना स्टैंड साइड हैंड लगाना भूल गया, नेबर के साथ बात कर रहा था, बाइक लेट गई, इंजन चालू था, बंद नहीं हुआ, कितने सेकंड तक सेकंड जब तक मैंने उठा के चाबी नहीं बंद करी ना वो ऑन था, वो मैंने टाइम नहीं वेट किया, मैं अपने पड़ोसी से बात कर रहा था, मैंने साइड स्टैंड बिना लगाए उतर गया, बाइक लेट गई, नहीं इसमें भी है लीन सेंसर है, लीन सेंसर है, कितनी देर में बंद होनी चाहिए? मेटल पीस होता है, सर्कुलर, 15-20 सेकंड हो सकता है, मैंने उससे पहले निकाल ली चाबी, मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका बिना स्टैंड लगाए मैं उतर चुका हूँ, जैसे बाइक का एक्सीडेंट हुआ मेरा आज ही हुआ है, तो
वो जैसे ही गिरा स्टार्ट तो बंद हो गई, लेकिन जैसे हमने उठाया ना तो बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, स्टार्ट नहीं हुई। वो इश्यू का फीचर होता है, इश्यू अगर कुछ मॉल फंक्शन हो ना, इसलिए वो दोबारा से स्टार्ट नहीं होने देता। जब तक आप दोबारा से उसको ऑफ करके ऑन करोगे तो इश्यू पूरा चेक करेगा, सब कुछ ठीक है तो वो बाइक को स्टार्ट होने देगा, नहीं तो नहीं स्टार्ट होने देगा। इश्यू तभी बाइक स्टार्ट होने देगा जब बाइक के अंदर सारे सेंसर्स प्रॉपर होते हैं। लाइक कहते हैं जब भी हम ट्रैफिक पे चलते हैं तो इग्निशन से बंद अगर करते हैं तुरंत ऑन कर दीजिए, यहाँ से गेट को ऑन कर दीजिए ताकि आप तुरंत सेल्फ मारेंगे तो हार्ट अटैक हो, या हम यहाँ से ऑफ किए सामने ग्रीन हो गई और हम सेल्फ मारेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, 10 सेकंड का टाइम लेगा क्योंकि वो प्रेम करता है पंप को। जैसे मैं क्लच में फ्रीप्ले होता है कितना फ्रीप्ले होना चाहिए, वैसे चेन में भी फ्रीप्ले होता है, अगर वो बहुत ज्यादा है इसका मतलब चेन लूज है। चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, घर पे स्केल होती है जिससे कितना फ्रीप्ले होता है तो वो आप स्केल करके देख सकते हो, इससे ज्यादा अगर पूल कर रही है इसका मतलब चेन लीवी। अभी कुछ 2-3 दिन पहले कोई ग्रुप में पूछ रहा था कि चेन पूरी मेरी अराउंड 20,000 किलोमीटर हो गया, 25,000 हो गई थी, 25,000 किलोमीटर हो गई है, क्या मैं उसका लिंक एक कटवा के करवा दूँ? दैट शुड नॉट बी डन, क्यों? बहुत ज़्यादा टॉर्क की मशीन है तो कभी आप बहुत जोर से पिकअप लो और आपने वो लिंक वहाँ से हटवाया हुआ है, कैन ब्रेक, दैट कैन वेरी इजी हो गई। 100-150 cc की बाइक्स में तो नॉर्मली मैकेनिक कर देते हैं। हाँ, उस पर कर सकते हैं, उस पर हो जाता है, या अगर आप ऐसी जगह पर बस लो आपके पास चेन सेट नहीं है आपको करना पड़ेगा तब कर सकते हो, और इट्स नॉट इट्स नॉट इट्स नॉट ये देखो आप ऐसे स्केल लेने की कोई जरूरत नहीं, ये जब हम उठाएंगे चेन नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ तक आनी चाहिए, इस पर मैच होना चाहिए बिल्कुल, पैड पे टच होना, जिसका स्लाइडर है, हाँ, चेन स्लाइडर है, हाँ, ये नहीं कि ये अभी जिस कंडीशन में हम देखेंगे तो थोड़ा सा ये लूज है, ये लूज है अभी, तो ये जब हम नीचे सुनाएंगे इतना फ्री प्ले होना चाहिए। चेन टाइट करना थोड़ा टेक्निकल चीज होती है, अगर हम सिखाएंगे भी तो सबको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टूल्स भी चाहिए बाइक को, पैडॉक पैडॉक स्टैंड भी चाहिए, डब्बा यूज करना पड़ेगा। लेकिन पर दूसरा मार्किंग मैच नहीं करेगा ना, रिप्ले करने के लिए सस्पेंशन अनलोड होना चाहिए ना बस, अगर जैसे 10,000 किलोमीटर या 15,000 चल गई गाड़ी तो चेन का मोमेंट ऐसा होता है, एक जगह टाइट होता है एक जगह लूज होता है, तो जहाँ पे टाइट होता है उस जगह फ्री प्ले हमें पूरा 15 से 20 से 25 सेकंड रखना है, जहाँ टाइट होता है वो जगह हमें चेक करना पड़ेगा। चेन सेट की नॉर्मल लाइफ कितनी है, चेन सेट की लाइफ अभी आ जाओ फ्यूज देखते हैं क्या क्या इसमें अमर चेन सेट की लाइफ, चेन सेट की लाइफ अराउंड मेरे ख्याल से 15-20,000 किलोमीटर की, अगर आप बहुत राइड करते हैं जैसे कि मैंने भी चेंज कराई अराउंड 18,000 समथिंग आफ्टर 15,000 आई, बट इट एक्चुअली डिपेंड्स हाउ यू एक्चुअली राइड एज़ वेल, हाउ यू मेंटेन, अगर आप 70 में अगर चल रहे हो कांस्टेंट, इफ योर स्पीड इज कांस्टेंट, ऐसे नहीं कि मतलब थोड़ा सा स्पीड स्पीड किया दबा दिया एक्सीलेटर, सो द entire chain sockets and everything gets all disturbed. एक झटका जब मिलता है और अगर स्मूथ चलाते हो तो ये एक्चुअली कैन सी अगर रबर बैंड को अगर ज्यादा एक झटके में थोड़ा टूट जाएगा, बट इफ यू आर ट्राइंग टू स्लोली एंड एक्सटेंडेड इट विल गो टू द ब्रिम एकदम एंड तक पहुंचेगा, तो वो राइडिंग स्टाइल कितना आप झटका दे रहे हैं एक्सीलेटर में वो भी डिपेंड करता है। देयर आर पीपल हु एक्चुअली कैन टेक देयर चेन सेट्स टू एटलीस्ट 20-25,000 किलोमीटर, सो आई सी इट लोग 25 तक चलाते हैं, जो लोग कम यूज कर रहे हैं सिटी यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा टॉर्क मिलेंगे, बहुत ज्यादा जो लीनियरली एक्सीलेट करते हैं आराम से स्मूथली करते हैं, तो स्लाइडर ऐसे भी हैं, रेड लाइट है ग्रीन लाइट मिल गई सामने क्लियर मारा पैदा के खटा, वही जो जब झटका मिलता है जिनको कंपनी की बाइक मिली होती है इसके अंदर स्टॉप वॉच
ये इसके अंदर का पॉकेट एवरीथिंग गेट्स रियली हार्ड ऑफ, तो टूटने का डर और स्लैग आने का डर बहुत ज्यादा होगा। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपका लिंक खराब होता है कभी चेन का तो एक ऑरेंज कलर की या रेड कलर की डस्ट छोड़ता है हमेशा, अगर लिंक अंदर से सूख गया है तो वो भी एक इंडिकेशन होता है चेन खराब होने का, क्योंकि जो उसके अंदर का जो कंपनी ने ग्रीस या ग्लू लगा के दिया हुआ है उसके अंदर लूप, वो ड्राई हो जाता है तो रेड कलर या ऑरेंज कलर की जैसे ब्रिक होती है ना वैसी डस्ट छोड़ता है, वो भी एक चेन लिंक की इंडिकेशन की ये गया। इसके ऊपर आप ऐसे इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये आपको फ्री प्ले ज्यादा हो जाएगा, ताकि जो है इस पॉकेट दांत खत्म हो जाएंगे, रोलर चैन के घिस जाते हैं इसमें फ्री प्ले बढ़ जाता है और ये दांत भी तीखे हो जाते हैं। हाँ ये पतले हो जाएंगे आप, वो चैन सेट रिप्लेस का टाइम हो गया। जैसे ABS का जिसके ऊपर लिखा हुआ है हर सारे फ्यूज के लिए कौन सा फ्यूज लिखा हुआ है, अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है मेन फ्यूज लिखा हुआ, ABS काम नहीं कर रहा है, ABS का है, ट्रेन का, ST कोयल का, तो जो काम नहीं कर रहा उसको आप खोलेंगे और जितने एम्पियर का फ्यूज है जिसको ए भी लिखा हुआ है, तीन तरह के फ्यूज होते हैं तो तीनों फ्यूज एक्स्ट्रा इसमें लगे हुए हैं, वो फ्यूज निकालना है, उसको देखने के बाद अगर बीच में से ब्रेक है तो वो फ्यूज यहाँ लगा दें, इसको सही फ्यूज की जगह तीन तरह के फ्यूज इनमें दिए गए हैं, ये अलग अलग है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा फ्यूज निकालते वक्त बड़े ध्यान रखना, ये उछल के कहीं निकल जाता है, गिर ना जाए, और शैतान फ्यूज है ये, जब भी कोई काम करते हैं तो स्विच ऑफ होना चाहिए, स्विच ऑफ करके फिर लगाएं, फिर बाद जब लगाने के बाद फिर स्विच ऑन करें। इसमें किस चीज़ और इसमें ABS फ्यूज होता है, अगर ABS लाइट गाड़ी चलने के बाद बंद नहीं होता है तो हम सबसे पहले फ्यूज चेक करेंगे, ये फ्यूज बुरा तो नहीं है, ABS काम नहीं कर रहा है। सॉरी ये एक और बता दोगे, ये एक और बता दोगे क्या सीडी होता है, ABS अगर काम नहीं करता, मूवमेंट नहीं करता। ओके ओके ओके। इसमें CDI यूनिट है क्या? CDI जिन्हीं गाड़ी के अंदर ECU सिस्टम होता है उसमें CDI नहीं। अच्छा इसके अंदर ना आपका ECU है। एक चीज है यहाँ पे ना, एक यूनिट है वो टर्मिनेटर यूनिट है, वो किस चीज के लिए होती है? इसके स्पेयर फ्यूज नहीं है, उसका नाम टर्मिनेटर यूनिट है, वो KTM में भी है, ये लगे और इसमें भी इसमें स्पेयर फ्यूज बना लो, उसको कह रहे हैं कौन सा स्पेयर है, ये वाले स्पेयर है टर्मिनेटर, हां ये टर्मिनेटर है ABS 1। अच्छा इसमें स्पेयर है कौन सा, ECU कहां पर है? एक साइड वाले होंगे, ये हां ये ECU के नीचे ही होगा इसके। ओके इसका मेन ECU कहां लगा हुआ है? एक्स्ट्रा दिस इज एक्स्ट्रा, दिस इज द मेन वन, ये होगा बैटरी के पास, ये ECU है। अच्छा ये रहा, अच्छा जो दो साइड के हैं वो एक्स्ट्रा है, हां फ्रंट वाले ऐसे ही रखे हुए हैं, अगर उनमें से कोई सा उड़ जाए तो आप उसको लगा सकते हैं। अच्छा और यहाँ पे भी ये तीन एक्स्ट्रा है, ये तीन एक्स्ट्रा, क्योंकि तीन यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं ना, ये ठीक है, पहले नहीं आ रहा कुछ तो 30 एम्पीयर का सबसे पहले फिर चेक करेंगे, कोई भी चीज अगर शॉर्ट हो जाता है तो आगे का सिर्फ लाइट का डिस्ट्रप्शन होगा या ABS का भी डिस्ट्रप्शन होगा? ABS का भी होगा, कोई ऐसा केस भी हो सकता है कि लाइट वो वाला लाइट ना काम करे लेकिन ABS काम करे, ऐसा केस हो सकता है? मेरी लाइट काम नहीं कर रही सपोज, ABS काम कर रहा है, ऐसा हो सकता है? आपने देखा कभी ऐसा? नहीं ऐसा हाँ हो सकता है, इसकी अगर तार यहाँ से कटी हो अगर अगर इसका इलेक्ट्रिकल फेलियर अलग से कहीं हो रहा है या उन लाइट का अलग से कोई ABS लैंप भी खराब होगा तो हमारा डायग्नोसिस तो दिखाएगा। मेरा तो जब सेंसर फेल हुआ था ना, मेरा ABS लाइन कॉन्स्टेंटली ऑन था इसके अंदर, जब ये ABS फेल था मैं एक दो जगह गया, उन्होंने फ्यूज देखा, फ्यूज मैंने घर पे चेक कर लिया था, कुछ नहीं था, मैंने ABS सेंसर निकाल के साफ करके अच्छे से लगा दिया, उसमें कहीं भी टेयर नहीं था, कहीं से नहीं फटा हुआ था, वो बस वेट करना पड़ा, वो अवेलेबल नहीं था, वो जब ABS सेंसर इन्होंने लगा दिया तो ठीक हो गया, वहाँ पे मैंने गुड़गांव में लगवाया था वो इशू का था, ABS सेंसर सेंसर आगे वाला व्हील का जो व्हील स्पीड सेंसर होता है ना, व्हील स्पीड सेंसर और ABS सेंसर एक ही है इसके अंदर कॉमन है, तो वो मेरा खराब हो गया था, वो सेंसर पूरी एक ही तार है। क्या रीज़न होगा? कुछ भी हो सकता है, सेंसर है, मैग्नेटिक सेंसर होता है, वो हल्का सा माइनर चिप भी होगा ना उसके अंदर तो वो रीड नहीं करेगा, वो क्योंकि बिट्स में यूज़ करता है ना, 0-1 के अंदर बाइनरी में यूज़ रीड करता है 0-1, जल्दी खराब नहीं होता
लेकिन सर अभी तक तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आगे व्हील सेंसर है तो कभी। आपने केटीएम का लगाया था ना, आपके यहाँ जो साथ में दूसरे भाई हैं उन्होंने केटीएम का लगाया था, चला नहीं था, वो चला नहीं था। मैंने फिर गुड़गांव में लगवाया था तो उन्होंने ये लगवाया था डोमिनर का। ये वाला यूनिट है, ये इस पर टर्मिनेटर यूनिट लिखा है, ये किसके लिए होती है? ये किसके टर्मिनेशन यूनिट, नाम बड़ा अच्छा है इसका। हां इसके नीचे एयर फिल्टर के नीचे होता है, इसके नीचे मेटल टैंक है, उसके नीचे टर्मिनेटर यूनिट। इट विल टर्मिनेट ऑल द हाथीज। वायर कहां पे जा रही है? यहां से यहां पे इंजन की, इंजन की इसी में जा रही है, उसी टर्मिनेशन यूनिट में टर्मिनेट करने के लिए इंजन। अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं है ना, इस यूनिट का कोई प्रॉब्लम है। इसलिए बाकी इंजन फ्यूल स्विच का जो वायर है मेन वायरिंग से बीच में से डिस्कनेक्ट होता है। अच्छा, जो कि अगर हम स्विच यहाँ से भी बंद करें, इग्निशन से भी बंद करें तो इंजन कट ऑफ हो जाता है। ये क्या यूनिट है जी वाला? ये भाई चारकोल कनेस्टर है, ईवैप सिस्टम है ये। जितना भी इसमें से एवेपोरेशन होती है ना वो इसके अंदर जाता है। इसके अंदर एक चारकोल का कनेस्टर है, मेरे ख्याल से 15 या 20 हज़ार पे चेंज होता है शायद ये। ये सभी BS4 गाड़ियों में भी होता है और बाइक्स के अंदर भी होता है। BS4 का नया फीचर है ताकि कुछ भी वेस्टेज ना हो, और ये रिसर्कुलेट करके सब कुछ इंजन में भेज देता है। बाहर निकल जाता था गाड़ी, बाहर निकल गई। नाउ इट इज यूजिंग इट, इस यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है फिर वापस यूज, राइट? ये रिसाइकल कर देता है उसको, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अगर आपकी बाइक ज़्यादा फिल कर दी यहाँ तक तो वो यहाँ से सुसु करेगी, वो भी इसमें से निकल के आता है, वो उसका ओवरफ्लो का पाइप भी यहीं पे। शिव जी की लगता है किस दिन आप नीचे टंकी मेटल टैंक के नीचे ना, उसके अंदर से फ्यूल छनके जाता है। इतना तो रोज में इतना नीट नहीं चलता है, इतना होता है। कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन जितना आप चला रहे हो, किस तरीके से चला रहे हो आप। मेरी हमेशा से आदत है कि मतलब मैं कभी भी अगर साफ करने को मना करता नहीं, वो कपड़ा है ना तो वो नहीं होता। मैंने ले में क्या किया था, पूरा उखड़ जाएगा, पूरा उखड़ जाएगा। और कुछ BMC के फिल्टर के ऊपर बताओ भाई, अंदर नहीं जाता। वो बेस्ट क्वालिटी जो लोग लगाते हैं, BMC मत लगाना भैया। और KNN वो भी नहीं, वारंटी बिल्कुल नहीं होगी। केस मैंने इनके सामने देखा था, एक बाइक बंदा लेकर आया था जिसमें फिल्टर लगाया हुआ था, उसका इंजन में इशू था गुड़गांव में। जब इशू हो गया कि एक्सेशन हो गया वो ना, चाय समोसे डालो इसके लिए तो बना नहीं है, वो तो कॉमन फिल्टर है। 1100 नंबर है, 1080 नंबर, किसी बाइक में तो 200 cc में भी लगता है, पूरा ग्रीस है इसके लिए थोड़ी बना है। और इसका जो है एयर फिल्टर का पाइप भी आपको निकालना पड़ेगा उसके लिए। ये मैंने अभी 1 महीना पहले किया है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है बरसात का मौसम, ना ना ना, मैं तो लेने के, ले से वापस आने के बाद। अच्छा, इसमें जो ये जिस जो भी इस पर लगा हुआ है वो इसीलिए लगा हुआ था कि डस्ट यहाँ पर रुक जाए अंदर, इसलिए लगा अंदर ये पूरा डर्ट है। फिर हवा ही नहीं जाएगी, हवा या ढक्कन लगा हुआ उसके ऊपर। तो मैं हर 5 बार के बाद 15,000 किलोमीटर कंपनी कैसी है, उसका पूरा लेयर अगर डस्ट का लग जाता है तब दिखते हैं। शिवदयाल जी बहुत फर्क पड़ता है, आपने 7,000 में मेरा बदला है ना, बाइक कैसी चलती है भागती हुई हवा की तरह, आवाज में बिल्कुल फ्री हो जाती बाइक। अगर 5,000 का खोलेंगे डस्ट तो मिलेगा इस पर। आपका पॉइंट एकदम बिल्कुल सही है, मैं उस पर डिसएग्री नहीं करूंगा, बट अल्टीमेटली जब तक मुझे वो एक कंफर्टेबल फील ना मिले तब तक वो थोड़ा सा रहता है। यार बाइक बिल्कुल नहीं बन गई फिल्टर चेंज करने के बाद, बिल्कुल नहीं बन गई बाइक। माइलेज का फर्क पड़ता है बहुत। अच्छा मैं क्योंकि माइलेज जो हो जाता है तो फिर दिक्कत। अरे तो मेरे घर पे आ जा। ये हमारा टोटल बॉडी का स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग अगर इसको भी क्लीन कर लेना चाहिए कभी कभार, मे बी 15,000 में एक बार, 20,000 में एक बार। क्लीन कराने के लिए इनके घर जाना? हाँ, मेरे घर टंकी खोलनी पड़ेगी, पर चिकन बिरयानी जरूर लेकर आना। तो ये इससे फिर क्या होता है, आपको स्मूथ रहता है। ये मैंने टैंक खोल दिया था, टैंक खोलने के बाद ये तुमने जब वो लगाया था BMC, ये काटा नहीं था? नहीं, अगर कोई लगाता भी है KN और BMC ये ध्यान रखो इसको काटो नहीं, जो एयर का पाइप है ना उसके बाद क्लीन करो। बाग में लोग लगाते हैं उसको काट के लगाते हैं। ये हमने क्लीन करना शुरू किया, ये भाई WD-40 से करो। WD-40 बहुत अच्छी चीज है यार, रामबाण पूरे घर में इस्तेमाल कर सकते हो। कोई दरवाजा क्रीक कर रहा है, पंखे में आवाज आ रही है, ऊपर चढ़ के बेरिंग में डाल दो, दरवाजे में मार दो सब जगह। कोई नट नहीं खुल रहा उसके ऊपर मार दो, 5 मिनट बाद नट आराम से खुल जाएगा। मैं तो आ जाऊंगा भाई, मेरे मैनेजर हो गए।
पूरा थ्रॉटल जब उसके डायरेक्शन में जोर पड़ता है तो ये क्योंकि आपने ब्रेक लिया है अचानक से जंग नहीं लगती लूज हो जाता है वो लगने भी नहीं दूंगा क्योंकि क्या चीज़ ये हिलता है लीवर जब आप ब्रेक लेते हो ना कभी कभी आपने तेज ब्रेक लिया तो क्या होगा आपका थ्रॉटल कम हो गया एकदम से हाँ ये अभी कितने किलोमीटर लग गए धोनी भाई मैंने 14,000 मोशन में वो यहाँ पे जोर पड़ता है वो वापस जाता है मैंने अपना ये इसको थ्रॉटल वायर को क्लीन करने के लिए वो एसटीपी करके आता है ब्रेक क्लीनर अच्छा लेदर पे जो मार के उसको क्लीन करते हैं ना आप उसको जो है ऐसी लगे लगे पे हाँ लगे लगे मार दो अपने आप साफ हो जाएगा वो अपने आप क्लीन हो जाता है और प्लेट पे मार दो तो ब्रेक ही लगेगी काफी देर नहीं 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 बस ब्रेक क्लीनर तो होता है तोड़ जाएगा 5 मिनट मतलब किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है किसी की हेल्प ये वाला एसटीपी तो एक बार ये साफ होने के बाद प्रेशर भी काफी तेज होता है बहुत तेज होता है तो हाथ पे लगाओगे तो पूरा फ्रीज हो जाएगा करने के बाद एक बार मैंने थ्रॉटल भी घुमा दिया था तो जितना भी डर्ट में ऑफ रोडिंग भी बीच में ऑफ रोडिंग भाई उसको स्विच कर देता हूं मैंने भी कर ये एक स्टॉक में तो नंबर 1 पे सेट होता है या मे बी नहीं आप नहीं एक टूल आता है वो टूल चाहिए वो टूल चाहिए तो मैंने ये अभी 1 पे रखा हुआ है इसको टर्न करने के टाइम पे ना ये दिस कम्स टू स्लाइटली मोर ये भी 3 पे अभी 3 पे 2 पॉइंट नीचे और जा सकता है तो जितना हाँ तो मैंने अभी उधर जाएगा तो हाँ इधर की तरफ जाएगा सॉफ्ट होगा सॉफ्ट होगा इधर की तरफ जाएगा तो टाइट हो जाएगा टाइट करेंगे इसको तो टाइट होगा हाँ मतलब वो डॉट इधर जाएगा डॉट इधर जाएगा तो टाइट इधर जाएगा तो सॉफ्ट हो जाएगा स्प्रिंग आपकी बड़ी हो रही है तो सॉफ्ट होगा इधर जाएगा तो क्या हाँ बेसिकली क्या होता है कि मतलब अभी 1 पे दोबारा बताओ यार किधर जाएगा तो इधर जाएगा तो 2-1 करेंगे इसको तो ये टाइट होगा अच्छा जो कि इसकी हाइट बढ़ेगा और स्प्रिंग का टेंशन ज्यादा होगा ठीक है अगर हम खोलेंगे तो खुलेगा उधर करेंगे तो खुलेगा इधर करेंगे खुलेगा तो फिर गड्ढे में तो टाइट होगा जाकर सस्पेंशन बहुत अभी देखो अभी इसका भाई समोसे का वीडियो रह गया हटना जरा यार समोसे का भी वीडियो बनना चाहिए समोसे का वीडियो भी बनना चाहिए ये लेट आए हैं खाने के लिए सिर्फ खाने के लिए 60 किलोमीटर दूर से समोसा खाने के लिए सर आप भी ले लीजिए हाँ भैया बोल जनरली हम लोग भूल गाड़ी को ऊपर से साफ कर लिया कपड़ा लगा लिया पॉलिश कर लिया बट हम लोग चेन भी साफ कर लेते हैं बट ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना ये हम लोग कभी कभार भूल जाते हैं ये जो पोर्शन है ना दिस शुड ऑल्सो बी क्लीन वाई हीटअप होता है प्रॉपर ब्रेक जब आप ब्रेक मारते हो बहुत तेज ब्रेक मारते हो तो ये हीटअप होता है आप जो डिस्क ब्रेक छू नहीं सकते बिल्कुल ये अगर यहाँ पर अगर ये रबर कट गया बिकॉज ऑफ डस्ट बिकॉज ऑफ एनीथिंग ये रबर कट जाएगा इसके अंदर डस्ट पहुँच जाएगा पता भी नहीं चलेगा फिर हम लोग 10,000 किलोमीटर चला देंगे या फिर जब पता चलेगा कि यार इसके कैलिपर्स भी रिप्लेस करने हैं तो कैलिपर्स रिप्लेस होते हैं क्या सिंगल कैलिपर्स रिप्लेस होना मुश्किल होता है पूरा यूनिट रिप्लेस होता है तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बाइक को साफ करने के लिए WD-40 इस्तेमाल कर लिया इसके बीच में मार दिया उसके बाद फिर पूरे गीले कपड़े से साफ कर दिया टॉक अबाउट रोटर बोल्ट्स ऑल्सो दूसरा ये रोटर बोल्ट ये डिस्क ब्रेक के नट्स और ये बोल्ट्स शिव जी या किसी भी अगर दुकान किसी भी सर्विस सेंटर में अगर आप जाओगे तो वो टाइट जरूर करेंगे बट अपने आप एक बार टाइट कर लो मेरा ऑलरेडी निकल चुका था लकीली मेरे को कहीं से कट 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 करके आवाज़ें मेरे को लगा मेरे हेड से आवाज़ आ रही है अच्छा और देखा फिर एक और चीज़ है ये जो नई वाली बाइक है इसमें जो ये डिफरेंस और उसमें अंतर है ऐसा क्यों है ये वाला जो गैप है ये गैप जो है ये वाला ज्यादा है लेंथ है ना ये जो सॉकर सील लीकेज की प्रॉब्लम आ रही थी उसको इसका लेंथ इसका पूरा ओवरऑल साइज सेम है लेकिन आउटर का जो लेंथ बढ़ा दिया लिक्विड ये ब्लैक वाले पार्ट का लिक्विड कम ज्यादा है किया इससे लिक्विड कम ज्यादा इसीलिए हुआ होगा ना वो तो क्योंकि पहले बोल रहे थे इशू इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो लिक्विड ज्यादा था और वो ओवरफ्लो कर रहा था इसीलिए शुरुआत में लोगों की बाइक मेरी बाइक में भी वही हुआ कि हार्डली आई रोड फॉर अराउंड 250 किलोमीटर एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस
लीक होने लगा शुरुआत में अगर आपको बाइक में प्रॉब्लम नहीं ये पुराने गरीब लोगों को मिलेगी ये अपडेट मेरी बाइक में प्रॉब्लम आती है जब भी मैं क्लीन नॉइस को फील करता हूं जब भी मैं क्लीन करता हूं पावर वॉशर से तो ये लाइट हमेशा ऑन रहती है मतलब जैसे ब्रेक की स्विच टच हो ये जो स्विच होता है इसके अंदर पानी चला जाता है अच्छा नॉर्मल है वो इतना भी फनेटिक नहीं होना चाहिए आदमी को यार कभी कभी हमारे घर भी आ जाएगा वॉशर लेके पास ही रहते हो वंडरफुल गुड़गांव में वंडरफुल यूज करते हैं और बाइक में जैसे एक्स्ट्रा लाइट लगवानी हो हमको तो कहाँ से पावर लेना सबसे सेफ है एक्स्ट्रा लाइट के लिए कंपनी नहीं कंपनी तो नहीं करती वारंटी इलेक्ट्रिकल पार्ट की सारी वारंटी खत्म वारंटी लेने जाओगे तो उतार के जाना है अगर आपको करवाना है ऐसा कंपनी अगर आपको करवाना है तो जल्दी करुणबाग वाले क्या करते हैं इस वाले यूनिट पे यहाँ पर एक गेट पिन लगता है जो दो लगते हैं ना इस पिन पे अटैच कर देते हैं वो और एक अर्थिंग पे डाल देते हैं वेरी बैड आइडिया लोड ले लेगा बट कभी अगर बारिश हो गया अगर वहाँ से कुछ शॉर्टेज हो गया कि आपके अर्थ नेगेटिव पॉजिटिव काफी विदाउट कटिंग द वायर वो वहाँ पे अटैच कर देते हैं या फिर डायरेक्ट बैटरी से ले लो एक स्विच एक्सटर्नल स्विच लगा लो डायरेक्ट बैटरी से कभी भी मत लेना इसके अंदर से जाएगा जब तक ऑन करते हैं ये नहीं ऑन करोगे तब तक आपका पावर नहीं मिलेगा प्रोसीजर करने के लिए पूरा हेड खोलना पड़ेगा इसके लिए नहीं तो मैं सोच रहा था लॉक किया तो